हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल यूके बाइक केयर में आप सभी का स्वागत है। तो फिर मैं तो ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्लच पेड के रिलेटेड ही बनाया था, फिर वापस से एक गाड़ी आई है क्लच पेड के रिलेटेड ही है, पर ये गाड़ी है महिंद्रा सेंचुरो रॉक स्टार, देख सकते हो। तो इसके अंदर सिस्टम कुछ अलग है कि नहीं है वो देखने के लिए हम इसको वीडियो लाइव भी बनाएंगे और लाइव खोलेंगे, क्योंकि खोलते नहीं दिखाएंगे, खोलते जाएंगे और देखते जाएंगे क्या है, चेंजेस है कि नहीं है। ये गाड़ी 100 में से एक आध को भी आ जाती तो आ जाती है, बाकी कोई ये गाड़ी कभी आती नहीं है। तो इसको अभी बने रहिए मेरे साथ, चलिए मैं दिखाता हूँ इसको, खोलते हैं एक एक करके। अब देख के तो लग रहा है फ्रेंड्स कि टोटल सिस्टम स्प्लेंडर जैसा ही दिया, पर थोड़ा थोड़ा पार्ट्स अलग किया हुआ है कंपनी ने। अभी इसके अंदर अभी देखिए ये सब थोड़ा बदला है, चेंज किया है, पर बाकी सब तो स्प्लेंडर जैसा ही लग रहा है। चलिए तो खोलते हैं फिर। सिस्टम ही अलग है पर है वही सेम। अब ये चेंज हुआ है इसमें, इसमें पाना कौन सा लगेगा वो देखते हैं। उल्टा डाला है किसी ने घर से आता, ऐसा डाला हुआ था, ये उल्टा हो ऐसा रहता। फ्रेंड्स तो ये देखिए, अभी मैंने महिंद्रा का जो खोला उसमें भी ये सेम सिस्टम, रेडियन के अंदर जो टीवीएस के खोले थे ये सेम ऐसा ही सिस्टम था इसमें। और ये देखिए ये जो लॉक है ये पूरा स्टार्टिंग के लॉक करने के लिए दिया है, अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वाइसर है और इसके पीछे एक और ये वाइसर यहाँ का है, देखिए सबसे लास्ट में ये है, ये उसके ऊपर चिपक जाएगा। चलिए फिटिंग देखिए फ्रेंड्स। तो ये अभी क्लच आउटर मैंने निकाला है, तो ये बूस है, बूस के पीछे है कि ये देखिए एक ये वाइसर है, वापस वही है लॉक वाइसर ही है,
अब ये वाशर को लॉक करने के लिए, अब ये मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, इधर भी वही है, सेम रेडियन वाला सिस्टम है। अब ये देखिए, अभी ये मैंने निकाला, ये देखिए, और यहाँ पे कट दिया हुआ है। अब वो इसको लॉक, ये वाइसर को लॉक करने के लिए, अब ये वाइसर तो लग गया, पर अब इसको लॉक करने के लिए दूसरा ये बैठा करके फिर ये बैठाना है वापस इसके अंदर भी। ये देखिए, अब ये हो गया लॉक, इसके पीछे अभी आगे पीछे नहीं होगा, ये कट हो गया, एकदम लॉक हो गया। फिर उसके बाद से ये बूस्ट लगता है, देख सकते हैं। तो अभी हमने ये क्लच असेंबली ली है, क्लच असेंबली में दो मार्किंग हमको दिख रही है, तो मार्किंग दिखने क्यों दिया है और देखने के लिए अभी पहले हम लोग उसको रिमूव करेंगे तो पता चलेगा कुछ रीजन है या नहीं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसके अंदर, बराबर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा खींचा था, इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ भी नहीं है, नॉर्मल ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, इसको क्लच प्लेट हम रिप्लेस करते हैं।